अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम बस 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं और स्टूडेंट्स आ जाएं, बाकी फिर हम क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी। ओके, चले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS ग्रिड और क्लास 29, और इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा CSS का, उसके बाद हमारी CSS खत्म हो जाएगी, और मतलब आज लास्ट क्लास है हमारी CSS की। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे, और आप लोगों को इंटरव्यूज क्वेश्चंस जो किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और मतलब आगे से हमारा जो है बस अब प्रोफेशनल कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये HTML और CSS सीखना आप लोगों के लिए ज़रूरी था और आप लोग वो सीख चुके हैं, और अब जो है हम प्रोफेशनल कोडर्स बनने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। अच्छा, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CSS ग्रिड, और यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लूंगा, कंटेनर। और मैंने आप लोगों का वो देखा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया नेव बार, और देखने से पता चल जाता है कि किसने YouTube की वीडियो से हेल्प ली है और किसने जो है वो खुद बनाया। तो अगर आपने YouTube की वीडियो से हेल्प लेके बनाया तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो उसको बनाए, YouTube की हेल्प लेके बनाए, बट बनाना लाजमी था, तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप सबने बनाया। अच्छा, मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे एक डिप बॉक्स बनाया और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आके लिखते हैं, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेट अस से 8 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको मैंने, तो हमारे पास 8 बॉक्सेस बन जाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, दिस इज बॉक्स 3। ये मैंने कैसे किया ये देखें, ये कैसे हुआ है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। ये मैंने सबसे पहले इसको हमें क्लास देनी थी, डॉट डॉट बॉक्स लिखा, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे जो लिखना था, 8 के 8 डिफ के अंदर मुझे जो लिखना था मैंने वो लिखा, उसके बाद मैंने लास्ट में डॉलर का साइन लगा दिया। डॉलर का साइन क्या करता है, डॉलर का साइन आपको बता रहा है कि आप 1 2 3 4 5 इस तरह जितने भी आपके बॉक्सेस हैं वो सारी काउंटिंग उसमें दे देगा। तो अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, अच्छा अभी क्यों नहीं वर्क कर रहा भाई, दोबारा लिख लेते हैं डॉट बॉक्स। दोबारा देखिएगा, मैंने जो जो क्लास देनी है ना, जो भी हमने डिफ को क्लास देनी है वो नाम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो हमें डिफ के अंदर चाहिए, मुझे चाहिए दिस इज बॉक्स, और मुझे मैं काउंटिंग नहीं डालूंगा बार बार। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसको 8 से। तो अब हमारे पास जो है ये 8 हमारे पास बॉक्सेस बन गए जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स नंबर 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इतना काफी है। अब इसके बाद जो है इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं हम। स्टाइल टैग लगाऊंगा मैं यहाँ पे, स्टाइल के अंदर कुछ स्टाइलिंग हम कंटेनर को देंगे, कंटेनर, और कुछ स्टाइलिंग हम करेंगे बॉक्स को। पहले बॉक्स को स्टाइल कर लेते हैं, डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स। अच्छा, CSS ग्रिड जो है वो हमारा यूज कहाँ पर होता है, जब तक मैं ये कर रहा हूँ साथ साथ आप लोगों को भी बताता हूँ CSS ग्रिड हमारा यूज कहाँ होता है। आप लोग जब भी किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और उसको जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है CSS ग्रिड की मदद से। मतलब CSS ग्रिड क्या करता है, बेसिकली लेआउट बनाने का काम आता है, और CSS ग्रिड लेआउट बनाता है। और लेआउट किस टाइप के लेआउट बनाता है, मतलब कि अभी आप लोगों को नजर भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा समझते हैं कि CSS ग्रिड करता क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
CSS ग्रिड, थोड़ा सा इमेज की मदद से हम समझ लेते हैं इसको कि बेसिकली मुझे कोई सही से इमेज मिले तो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि बेसिकली CSS ग्रिड कर क्या रहा होता है। अच्छा चलो ऊपर से कोई भी इमेज देख लेते हैं, ये देखें ये जैसे सही है। CSS ग्रिड लेआउट्स बनाने के लिए यूज होता है। अब मिसाल ले लें, ये ऊपर ब्लू वाला कलर है, ये हमारा नैव बार था, तो CSS की मदद से हम इसकी रॉस और कॉलम सेट कर सकते हैं कि इतने कॉलम के अंदर जो है ये आएगा। और उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन, हम लोगों ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने कोई पिक्चर वगैरह लगानी थी तो हमने वो पिक्चर लगा ली और उसको एक कॉलम दे दिया। फिर बीच में हमें दो कॉलम के अंदर कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना था तो हमने उसको दो कॉलम की जगह दे दी और उसको जो है इस एक रॉ के अंदर रखा। फिर यहाँ पे हमें कुछ और जैसे कोई पैराग्राफ लिखना था या कोई हमें फॉर्मूला वगैरह लिखना था तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये हमारा फुटर हो गया। तो इस तरह CSS ग्रिड जो है आपकी हेल्प करता है आपके लेआउट्स बनाने में। अगर ये जैसे ये पिक्चर है यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे हमारा हेडर आ जाएगा, कंटेंट नंबर, मतलब इस तरह आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं इससे। तो उसी को हम लोग देखेंगे किस तरह डिजाइन करना है। और ये भी आप लोगों के सामने है कि यहाँ पे आप लोगों का जो है वो नैव बार आ गया, मिसाल ले लें, और ये जो है वो एक कॉलन हो गया, फिर ये एक कॉलन हो गया, ये एक रॉ हो गई। तो इस तरह आप लोग जो है इसको बना सकते हैं और इसको कैसे बनाना है वो भी हम लोग देख ही रहे हैं। अच्छा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और उसके साथ साथ बस इतना काफी है अभी फिलहाल। अच्छा अब यहाँ पर आकर अगर हम लोग देखें, अभी इसको हाइट और विड्थ नहीं दिए मैंने तो ये शो नहीं होंगे, बट फिर भी चले हो रहे हैं। हाँ इसने बाय डिफॉल्ट जो इसने इसकी हाइट और विड्थ सारी थी वो ले ली। इसको ओपन ब्राउजर कर लेते हैं, बेस्ट हो गया, यही हमें चाहिए। अच्छा अब इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ और इसका अब मैं डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले मैंने इसका कर दिया ग्रिड। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड तकरीबन सेम थे, मैंने पहले जैसे बताया था, तो आप लोगों के दिमाग में भी यही आया होगा कि डिस्प्ले ग्रिड करने से वो लोग हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ गए होंगे, बट ऐसा नहीं है। डिस्प्ले ग्रिड जो है क्या करता है, ये देखें अभी तो मैंने इसको बैकग्राउंड कर दी थी तो ये पूरा जा रहा है, बट ये एक रॉ है, ये सारी ना ये वर्टिकली सेंटर्स नहीं है, या ये अगर वर्टिकली वो होते एक रॉ में आना होता तो डिस्प्ले बॉक्स नंबर 2 जो है उठ के यहाँ पे आ जाता, फिर ये मतलब एक रॉ में आ जाते। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है कि ये लोग एक रॉ में आ जाते हैं, बट डिस्प्ले ग्रिड अब हम पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले ग्रिड बेसिकली यूज होता है हमारे लेआउट्स बनाने में। और लेआउट्स कैसे बनाते हैं उसको हम लोग कॉलन और वो सारे जितने कॉलम होने चाहिए जितनी रॉ होने चाहिए वो सारे डिफाइन करते हैं। अच्छा अब वो कैसे करते हैं अब उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, मतलब टेम्पलेट कॉलम्स का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे CSS को बता रहा हूँ कि अब मैं इसके ग्रिड के कॉलम्स डिफाइन करने जा रहा हूँ और इसके मैं कॉलम्स को बता रहा हूँ कि कॉलम्स कितने होने चाहिए इसके अंदर। तो इसको मैं बोलता हूँ 100 पिक्सल, फिर 100 पिक्सल, ये तीनों वैल्यूज किस चीज़ की अभी बताता हूँ मैं। जितने कॉलन हमें बनाने हैं उतने कॉलन की वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे। ये वैल्यूज किस चीज की हैं, ये वैल्यूज हम विड्थ डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये देखें हमारे 100 100 पिक्सल्स के जो है वो 3 कॉलन बन गए। इसको 100 पिक्सल से हटा के अगर मैं पहली वाली को, ये विड्थ है सही है, ये विड्थ है, अगर मैं 300 पिक्सल की विड्थ दे दूं तो ये देखें ये पहले वाले जो 3 कॉलन है हमारे उसके पास 300 की विड्थ आ जाएगी और जो बाकी बाकी दो हमारे कॉलन है, बाकी जो 2 कॉलन है उसके पास हमारी जो है वो 100 100 पिक्सल की ही विड्थ रहेगी। तो आपको जितने कॉलन बनाने हैं आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मुझे 3 कॉलन बनाने थे, मैंने पहली कॉलम की विड्थ डिफाइन की, सेकंड की विड्थ डिफाइन की, थर्ड की विड्थ डिफाइन की। अगर मुझे एक और कॉलम बनाना है तो मैं एक और कर दूंगा इसके अंदर, एक और 100 पिक्सल कर दूंगा। देखिए जो नीचे आ रहे थे वो ऊपर आ गए, अभी 4 कॉलम है, एक ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, तो ये 4 कॉलम इसके जो है ये बन गए। और हमने पहले कॉलम की विड्थ डिफाइन की थी 300 300 पिक्सल, तो पहले वाले ने जो है वो 300 पिक्सल विड्थ ले ली, उसके बाद सेकंड वाले की 100, थर्ड और फोर्थ की भी 100 है। तो इस तरह जो है हम लोग अपने कॉलन बना सकते हैं इसके अंदर CSS ग्रिड के अंदर। अच्छा इसको करने का एक और तरीका भी होता है। एक और तरीका क्या होता है, इसको मैंने कमेंट किया डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलन, इसकी वैल्यूज आप लोग जो है वो एफ आर में भी दे सकते हैं। चल एफ आर से पहले आप ऑटो को देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पहली वाली को दे दिया 300 पिक्सल और मैंने सेकंड ऑटो कर दी, सेकंड वैल्यू जो थी उसकी ऑटो कर दी और थर्ड वाली को मैंने 100 पिक्सल दे दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब देखते हैं जाकर, ये देखें अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली वाले ने 300 ले ली पिक्सल, सेकंड वाले ने हमारी
उतनी विड्थ ले ली जितनी वहां पे बच रही थी, मतलब 300 और 400 को निकाल के, ये 300 फर्स्ट बॉक्स था और लास्ट वाला बॉक्स था 100 पिक्सल, तो ये दोनों इस तरह यहाँ पर लग गए। उसके बाद जितनी भी विड्थ बची वो सारी की सारी जो है हमारे कॉलर नंबर 2 ने ले ली, मतलब फर्स्ट वाले को 300 दी, लास्ट वाले को 100 पिक्सल्स की विड्थ दी। उसके बाद जितनी भी विड्थ बची वो क्या किया, वो हमारे कॉलर नंबर 2 ने ले ली। तो ये जो है हमारे ऑटो का मतलब होता है कि जितनी भी विड्थ बच रही है वो आप लोग जो है वो आप कॉलन जिस भी कॉलन में लगाइए। अगर मैं कॉलन नंबर लास्ट कॉलन में लगाऊं उसको, मतलब यहाँ से इसको 100 पिक्सल करते हैं, 100 पिक्सल, और लास्ट वाले में जो है अगर मैं यहाँ पर ऑटो लिख दूं, तो आप देखिएगा कि फर्स्ट को 300 मिली, सेकंड को 100 मिली, थर्ड को जितनी स्पेस बच रही थी, जितनी विड्थ बच रही थी उतनी उसको मिल गई। तो इस तरह आप लोग जो है इसकी विड्थ और कॉलन वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका है इसको वैल्यूज देने का, और जो ज्यादातर यूज होता है, और जो ज्यादातर नहीं बहुत ज्यादा टाइम आप लोग वही यूज कर रहे होते हैं, तो इसको आप लोग एफ आर में भी वैल्यूज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 FR, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 FR, या कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं 4 FR लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले समझाने के लिए आप लोगों को 1 FR के साथ चलते हैं। FR क्या है अभी बताता हूँ, FR फिर 1 FR। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनको तीनों को देखें, आप लोग इक्वली स्पेस मिल गई। एफ आर क्या कहता है, एफ आर कहता है कि भाई आप पहले तो डिस्प्ले का साइज देखो कि पूरे के पूरे आपके जो है जो जिस मोबाइल में, अगर मोबाइल में खोला जा रहा था उसका साइज आप लोग देखो। उसके बाद आप उसमें देखो कि कितने बॉक्सेस आ सकते हैं एक लाइन के अंदर। तो अगर तो जो है वो 3 बॉक्सेस आ सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं, तो आप उसको इक्वली स्पेस दो, जितनी भी डिस्प्ले का साइज हो उसको देखते हुए आप तीनों कॉलन के अंदर इक्वल ही स्पेस दे दो। अगर मिसाल के तौर पर डिस्प्ले छोटा होता तो क्या करता, फर्स्ट वाला अपनी विड्थ छोटी करता, सेकंड वाला विड्थ अपनी छोटी करता, थर्ड वाला विड्थ अपनी छोटी करता, बट कॉलन तीनों सेम रहते हैं। मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए सही से। इंस्पेक्ट किया इसको, हाँ यहाँ से ये ओपन करते हैं। अब देखें जैसे जैसे हमारे डिस्प्ले का साइज छोटा होता जाएगा, देखिए ये तीनों विड्थ जो है अपनी कम करते जाएंगे, बट इक्वली तीनों को विड्थ मिली हुई है, इक्वली कम है। ऐसा नहीं कि बॉक्स कॉलन 1 हमारा कम कर रहा है विड्थ और कॉलन 2 और 3 नहीं कर रहे। तो एफ आर का मतलब है कि इक्वली स्पेस दो, जितनी मर्जी जो है वो आपके डिस्प्ले का साइज है, बट इक्वली स्पेस तीनों के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, स्पेड बंद करते हैं। अब इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो है वो 3 FR हो जाए। 3 FR का क्या मतलब है, 3 FR का मतलब है कि ये देखें, 3 FR का मतलब है कि फर्स्ट वाला जो है वो तीन तीन डब्बों की स्पेस लेगा, 3 बॉक्सेस की स्पेस लेगा, बाकी जो है वो 1 1 FR की स्पेस लेगी। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, 3 FR किया मतलब 3 FR इन तीनों की जगह लेगा, इन तीनों बॉक्सेस की जितनी विड्थ है, जैसे इसकी जो है 1 FR है इस पूरे कॉलन की, तो 1 FR, और ये वाली 1 FR भी यही वाली लेगा। मतलब एफ आर का मतलब है कि बाकी जितनी स्पेस है फ्रैक्शनली डिवाइड कर देता है वो। एफ आर मतलब फ्रैक्शनली डिवाइड कर रहा है वो तीनों को। एक मिनट, मैसेज आया, एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिवीजन के अंदर होता है कि मतलब आपको अगर किसी को जो है डिवाइड का मतलब है कि तीनों को आपस में डिवाइड कर रहा है, ये तीनों को एक जितनी स्पेस दे रहा है। तो ये जो है आप क्या कर रहा है कि आपका जो फर्स्ट कॉलन है उसको 3 डब्बों की स्पेस दे रहा है, 3 कॉलन की स्पेस दे रहा है, और बाकी को हमने इस तरह सेट किया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट वाली की 2 FR की स्पेस हो जाए, तो आप देखिएगा 2 FR की स्पेस हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करते हैं पेज, ये देखें 2 FR की स्पेस हो गई, और ये 1 FR की ही स्पेसेस की रही। तो इस तरह आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, और अगर इसको स्प्रेड करेंगे तो अब जो है ये क्या होगा कि इक्वल ही स्पेस रहेगी, मतलब इसको 3 की ही मिलेगी, इसको 2 की FR की स्पेस मिलेगी, और इसको 1 की ही मिलेगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये देखिए सबसे पहले तो ये वाले आपस में कम स्पेस कम शुरू करना स्टार्ट करना, जिसकी सबसे ज्यादा FR है वो करना स्टार्ट करेगा अपनी विड्थ कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करेगा, फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे लास्ट तक। देखिए लास्ट तक तीनों इक्वल हो गए, देखिए कॉलन 3 आ रहे हैं, जितनी मर्जी स्क्रीन छोटी हो जाए कॉलन 3 ही आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 कॉलन डिफाइन किए, एक कॉलन, सेकंड कॉलन, थर्ड कॉलन, तो ये हमने 3 कॉलन यहाँ पे डिफाइन किए, तो 3 कॉलन से कम नहीं हो रहा यहाँ पर। अच्छा, इसको बंद करते हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ रहा है सबको कि हमने 3 कॉलन डिफाइन किए और तीनों के अंदर हमें जिस तरह जितनी जितनी विड्थ चाहिए, जितनी जितनी स्पेस चाहिए वो हम सेट करते जा रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, FR और पिक्सल, ये भी अगर पेरेंट स्प्रेड एल्गोरिथम ही में रखते करने हैं। हैं तो हम दोनों ही, मतलब फिर इन दोनों को कहाँ मतलब डिफरेंस है कि हम यूज करें?
किस चीज को? जैसा अगर आप देखें ऊपर वाले में 300 पिक्सल है, 100 पिक्सल जी है और जी 100 पिक्सल है, तो ये कॉलम में डिफरेंस है तीनों में ना, उनके ठीक है। साइज एफ में। तो आर अगर का आप हम लोग यूज नहीं कर कर रहे रहे तो उसमें हैं, भी हम यही वो है, एफ तो आर, एफ फिर आर हम का हम लोग दोनों। यूज करते जी हैं, एफ आर का हम यूज करते हैं जब हमें इक्वली जो है स्पेस करनी हो तीनों के अंदर। वन एफ आर जब मैंने आप लोगों को दी थी, तो टू और थ्री मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी है। आप लोग जो है यहाँ पर वन वन लिखेंगे, तो वन अगर आप लोग इक्वली इसमें करना है तो आप लोग डिस्प्ले का साइज देखते हुए इसको करेंगे। अगर आप 300 पिक्सल के यूज करते, अगर आप लोग एफ आर यूज नहीं करते और 300 पिक्सल को हटा के अगर 1100 पिक्सल यहाँ पे मैं लिख दूं और यहाँ पे 1 1 FR लिख दूं मैं, तो क्या होगा कि ये तो जो है 100 100 पिक्सल लग जाएंगे, बट जब स्क्रीन छोटी होगी तो वो 100 100 पिक्सल ही रहेंगे वहां पर, और आपका जो है वो फिर सही वर्क नहीं करेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। बट एफ आर क्या कर रहा है कि तीनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तीनों को इक्वली डिवाइड कैसे कर रहा है कि जो है वो तीनों को इक्वली स्पेस दे रहा है। तो फिर जब जैसे जैसे हम उसकी वैल्यू को कम करते जाएंगे तो वो तीनों कम होंगे, एक पहले कम हो दूसरा कम हो, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि वो थर्ड वाला कॉलम कम होना शुरू होगा, फिर थर्ड वाला जब लास्ट तक आ जाएगा, मतलब जितना उसके अंदर हमने ये लिखा है इतनी स्पेस जब तक उसके अंदर बच रही होगी, जैसे कि मतलब इतना हो जाएगा थर्ड वाला इतना आएगा, फिर सेकंड वाला अगर और छोटी स्क्रीन है तो सेकंड वाला कम होगा, फिर थर्ड वाला कम होगा। तो जब हम पिक्सल्स में वैल्यू देते हैं तो इतना ऐसे करते हैं। और एफ आर का यूज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, एफ आर जो है वो हमारा इक्वली डिवाइड कर देता है सबने। ऐसे तो फिर पिक्सल्स और REM जैसे मैंने आप लोगों को यूनिट पढ़ाया था, जैसे परसेंटेज पढ़ाई थी, वो भी उसमें भी फिर कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें वो भी हम फिर कर सकते हैं, ऐसे तो वैल्यू सेट कर सकते हैं परसेंटेज जिस तरह हम लोगों को करनी है। तो ऐसे तो फिर जो है वो सारे यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं किसी ना किसी तरीके से करके, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कभी कभार हमारा यूज आ जाता है। और एफ आर का तो कभी कभार नहीं, हम ज्यादातर एफ आर का ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा अब देखिए, अगर मिसाल के तौर पर अब आगे चलते हैं, अगर किसी का सवाल है तो कर ले वरना आगे चलें। इसको हम दो कॉलम भी दे सकते हैं। दो कॉलन भी दे सकते हैं, तीन कॉलन, यही अभी मैं बताने लगा था, इसको हम दो कॉलन देते हैं। अब ये दो कॉलन हो गए, पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दो कॉलन आ गए। हमारे फर्स्ट वाले को जो है वो कितने एफ आर दिए, 3 FR की लगी स्पेस विड्थ मिली है, और लास्ट वाले को जो है वो 1 FR की स्पेस मिली है। अच्छा और ये सारी वैल्यूज देखिए हम कंटेनर में लगा रहे हैं, हम इसको इंडिविजुअली एक एक डिव के अंदर नहीं लगा रहे, हम इसको जो है मेन पेरेंट चाइल्ड उसके अंदर लगा रहे हैं, पेरेंट कंटेनर के अंदर लगा रहे हैं, पेरेंट डिफ के अंदर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए अभी इस हमारे सिचुएशन तक हमने पढ़ा सिर्फ 3 कॉलन, अगर हम हमारे पास जो है वो 10 कॉलन बनाने होते हमें, तो क्या हम इसको यूं बैठ के 4 FR और इसी तरह की हम लोग दे रहे होते? हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसके बदले, हम लोग रिपीट फंक्शन का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेड टेम्पलेट कॉलन, और यहाँ पे आता है रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन क्या करता है, वो कहता है आप बस एक दफा मुझे वैल्यू बता दो कितने एफ आर की जो है उसको आपने स्पेस देनी है, मैं बोल रहा हूँ सॉरी कितने जो है आपको वो कॉलन बनाने हैं। जैसे मुझे 3 की जगह मुझे यहाँ पे 5 कॉलन बनाने हैं, 5 कॉलन बनाए, उसके बाद फिर ये बोलता है कि उसको कितनी कितनी विड्थ देनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 FR, 2 FR, या मैं ऑटो कर देता हूँ, ऑटो का करेगा इंडिविजुअल सबको दे देगा, मतलब ऑटो करेगा कि 5 कॉलन के अंदर जितनी 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 स्पेस आ जाएगी इजिली वो 5 कॉलन बना देगा। ये देखिए हमारा जो है 5 कॉलन बन गया, ये देखिए बॉक्स 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 हमारे कॉलन यहाँ पे बन गए। अगर मैं 5 की जगह यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे 7 कर दूँ तो हमारे 7 कॉलन बन जाएंगे। रिपीट फंक्शन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कि कॉलम्स बनाने के अंदर जितने कॉलम्स बनाने हैं आप उसको जो है सिंपली इस तरह आप सेट कर सकते हो। अच्छा किसी एक कोई सवाल? रिपीट फंक्शन बहुत ईजी था, रिपीट फंक्शन बस मैंने बताया। अच्छा इसके बाद जो है हमारे अगर पास, हम डिफरेंट वैल्यूज रखें तो रिपीट फंक्शन फिर यूज नहीं कर सकते ना, फिर तो मतलब जो है वो साइज में सबका तो मैं डिफरेंस आएगा, बताता सारे हूँ आप कॉलम। हाँ वेट करें, आगे बताता हूँ मैं इसको कि अगर आपको बॉक्स नंबर 4 को सिर्फ आपने वो करना है तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है कि अगर आप चाह रही हैं कि बॉक्स नंबर 4 की या 5 की जो है वो स्पेस बढ़ जाए और बाकी सारे सेम रहे तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र करते हैं। अच्छा अब चलते हैं हम आगे, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि रॉस वगैरह के अंदर भी ऐसा सीन होता है क्या कि हम लोग, अभी तो हम लोग सिर्फ कॉलन के साथ चले, अब हम क्या रॉस के साथ चल सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ ऐसा है, रॉस के साथ हम चल सकते हैं। इसको हम करते हैं ग्रिड टेम्पलेट रॉस, ग्रिड टेम्पलेट रॉस किया मैंने इसको, तो अब सेम वही होगा, इसको हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं 1 FR, फिर 1 FR कर देते हैं,
और फिर 3FR कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम जब वहां पर चल के देखें अगर, तो ये देखें हमारे जो थे फर्स्ट वाले को 1FR की वैल्यू मिली, सेकंड को भी 1FR की, रॉ बन गई, अभी 8 रॉ बन गई हमारी, सही, हमारी रॉस बनी हुई है यहाँ पे। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी जो थर्ड वाली थी, थर्ड वाली को हमने कितनी यहाँ पे दी है, थर्ड वाली को दी है 3FR, तो 3FR जो है बन जाए। अच्छा बाकी के साथ क्या करना है, बाकी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, मतलब जैसे हम हमने सिर्फ अभी 3 को जो है यहाँ पर, 3 वाले को हमने 3FR दिए, बाकी किसी को हमने कुछ नहीं किया, तो उसी के लिए हमारे पास एक और आता है, एक और प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ग्रिड ऑटो रॉस। ये क्या कहती है कि जिसको हमने यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दी है, 1 1, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1FR होती है इन सबकी वैल्यू, सारे रॉस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1FR। अब हमने सिर्फ थर्ड वाले को चेंज करनी थी, थर्ड वाले को हमने किया 3FR, और बाकी जितने भी आ रहे हैं बाकी को मैं कह रहा हूँ बाकी को कर दो 2FR की स्पेस, विड्थ दे दो सबको, लेंथ दे दो सॉरी, क्योंकि अभी हम रॉस में हैं तो लेंथ दे दो। ये देखें बाकी जितने बच रहे थे, बाकी सबके अंदर हमारे पास ये हमारी जो है 2FR की लेंथ आ गई हमारे पास, तो इस तरह बाकी की सेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ये रॉस का आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि रॉस हम लोग रॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि जो है वो रॉस डिफाइन करें तो रॉस डिफाइन भी कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्रिड टेम्पलेट, कॉलन्स भी कॉलन लगा देते हैं, फिर कॉलन भी बना देते हैं इसके साथ। कॉलन के अंदर मैं रिपीट फंक्शन लगाऊंगा, रिपीट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे चार चार कॉलन बनाना चाह रहा हूँ, चार, और उसको सबको 2FR की मैं स्पेस दे देता हूँ। अच्छा तो अब देखें यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर चार कॉलन बन गए और सबको जो है वो इक्वली स्पेस मिल गई सबके साथ। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी आ जाए, इसको कॉल बनाना आप रॉ बनाना आप लोगों को आ गए, इसको कमेंट कर देते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी गैप आ जाए, मतलब देखें अब हमारे जो है ये सारे तो बन गए कॉलन बन गए, हमारे पास चार कॉलन बन गए, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाए, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। एक तरीके तो है कि इसको मैं मार्जिन पैडिंग दूँ, बट मार्जिन पैडिंग ग्रिड के अंदर जो है वो वर्क नहीं करती सही से, तो यहाँ पे होता है हमारे पास ग्रिड गैप, ग्रिड ग्रिड गैप, सही ग्रिड गैप क्यों मना कर रहा है लगाने से, 1 सेकंड देखते हैं हम लोग। ग्रिड गैप मैं इसको कर देता हूँ 1 RM या 2 RM कर देते हैं। अच्छा सही, बाय डिफॉल्ट कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको मैं देखता हूँ ये क्यों मना। अच्छा आ गई आ गई, सबके अंदर स्पेस आ गई, ये देखिए सबके सबके पास जो है 2 RM की स्पेस आ गई है। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल, जिस तरह हम लोग कॉलम बना सकते हैं उसी तरह हम लोग जो है रॉस भी डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड के अंदर। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा गैप का थोड़ा सा और बताता हूँ आप लोगों को, गैप आप लोग अगर चाह रहे हैं कि कॉलन के अंदर गैप है या सिर्फ रॉ के अंदर गैप है, तो आप लोग वो भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखें ग्रेट गैप रॉ गैप, अगर आपको रॉ के अंदर गैप देना है तो आप रॉ गैप करें, रॉ गैप कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों को गैप देना है कॉलन के अंदर गैप देना है 7 RM, और आप लोग चाह रहे हैं कि ग्रिड जो हमारा है रॉ जो अब कॉलन है कॉलन के अंदर कितना गैप आ जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। कॉलन गैप आप लोग यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 RM दे देते हैं इसको। तो अब देखें हमारा जो रॉस थी रॉ के अंदर 7 RM का गैप आ गया, और इसके अंदर मतलब अलग अलग सेट कर सकते हैं, अगर आप कॉलन के अंदर गैप देना नहीं चाह रहे तो इसको बंद कर दें, आपके पास जो है कॉलन के अंदर गैप नहीं आएगा, आपके पास रॉ के अंदर गैप आ जाएगा। अगर आप चाह रहे कि रॉ के अंदर गैप ना आए सिर्फ कॉलन के अंदर गैप आ जाए, तो आप जो है इसको रॉ के अंदर रॉ को हटा के आप कॉलन के अंदर गैप दे सकते हैं, तो इस तरह जो है ये गैप प्रॉपर्टीज यूज करती है, यूज हो रही होती है। अच्छा उसके साथ साथ अब जैसे मैं इसका सवाल था कि हम जो है वो कैसे, अगर हम चाह रहे हैं कि 1 सेकंड पहले क्वेश्चन है जी, इसको हम देखते हैं कि मिस कह रही कि एट अ टाइम हम दोनों बना सकते हैं, जी बना सकते हैं, इसको हम देख रहे हैं अभी आगे। और अच्छा ग्रिड जो है वो यहाँ पर खत्म नहीं होता, ग्रिड
को हम लोग मे भी हमें अगले क्लास तक लेना चाहे जाना पड़े जा सकते हैं, क्योंकि देखें अभी हम लोग जो ये बना रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी रिस्पॉन्सिव वाले की भी बात करते हैं, देखिए अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। जो बॉक्सेस हमारे हैं ये 3 कॉलन एट अ टाइम लाइन के अंदर आएंगी, अभी हमने 4 वहां पे रखा हुआ है तो 4 कॉलन तो आएंगे ही आएंगे, उसकी जो स्पेस है 4 कॉलन आएंगे, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब देखें अगर ये हम इसको मोबाइल पे खोलेंगे तो मोबाइल में इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसको जो है हम देखते हैं कैसे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे मिस का सवाल था कि मिस चाह रही हैं, पहले तो इसको भी हम कर देते हैं, मुझे स्पेस नहीं चाहिए किसी के अंदर भी, और इसको हटा के हम यहाँ पे 3 कॉलन ही बनाना चाहेंगे। 3 कॉलन थोड़ा सही लगते हैं मतलब एक लाइन के अंदर, तो इस वजह से 3 रख रहा हूँ, बट आप लोग कोई भी रख सकते हैं। अच्छा मिस का सवाल था कि अगर मैं चाह रहा, मिस ने जैसे अब यहाँ पे तो वैल्यू सेट की है कोड में, अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमने रिपीट फंक्शन यूज किया है, अब मिस चाह रही है कि जो है वो बॉक्स नंबर 2 या बॉक्स नंबर 1 जो है वो बड़ा हो जाए बाकी सारे छोटे ना, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसी के लिए हमारे पास स्पैनिंग यूज होती है। क्या यूज होता है? स्पैन। उसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं इसको कहता हूँ कि बॉक्स बॉक्स के अंदर का जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये सब मैं आप लोगों को सिलेक्टर्स बता चुका हूँ, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको क्या करो, उसको जो है आप उसका जो ग्रिड का जो है ग्रिड लाइन से चलते हैं, ग्रिड कॉलन जो इसका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ग्रिड कॉलन स्टार्ट जो है उसका, 1 सेकंड, यहाँ पे भी आ रहा होगा ये रहा, ग्रिड कॉलन स्टार्ट जो है उसका आप करो बंद कर दो, और उसके बाद जो एंड हो रहा हो, जो ग्रिड उसका एंड हो रहा है ये अभी मैं बताता हूँ कि एंड कहाँ पर और ये क्या सारी चीजें हैं। ग्रिड कॉलन एंड यहाँ पर ये रहा, ग्रिड कॉलन एंड उसका कर दो आप लेटर से 3 कर दो। तो अब अगर हम वहां पर जाकर देखें तो ये देखें इसकी स्पेस बढ़ गई। अब वो कैसे बढ़ी? हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई जो उसका कॉलन है यहाँ पर देखें, कोड को पढ़ें, ग्रिड का जो कॉलन है स्टार्ट जहां से हो रहा है कॉलन, उसको क्या करो 1 से स्टार्ट करो और खत्म कर दो 3 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 1 फर्स्ट कॉलन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, थर्ड तक इसको ले गए, तो ये इसकी जो है ये 3 कॉलम है। अच्छा ये जब स्टार्ट और कर रहे थे ना, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा थर्ड के, हमने किया कि थर्ड पे जो है जाकर वो एंड हो, तो यहाँ पे तो सेकंड पे ही वो एंड हो रहा है। अगर आप लोग गौर से देखें तो सेकंड कॉलन है और सेकंड कॉलन पे बंद हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, और बल्कि हमने यहाँ पर तो किया है कि जो है वो 3 पे जाके बंद हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जब हम इसको सेट करते हैं, ग्रेट कॉलन स्टार्ट सेट करते हैं और किसी चाइल्ड को कर रहे होते हैं, तो कॉलन कहाँ से स्टार्ट होता है? कॉलन होता है यहाँ से फर्स्ट वाले को गिनता है, फर्स्ट ये रहा सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है कॉलन, सेकेंड और ये थर्ड। मे बी यहाँ पे जो है ये डेव हमारे जो टूल है ये हमें और अच्छे से डिफाइन कर दे इसको, अगर तो इसके अंदर ये वाला फीचर हो ग्रिड को बताने का। 1 सेकेंड मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, और ओके तो ये देखिए यहाँ पर मे बी हो नहीं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता वरना, हाँ यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होता है कॉलन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से 1 कॉलन स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे थर्ड कॉलन स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह जो है हमारा ये कॉलन बनते हैं। अच्छा ये देखिए अब ये लेआउट आप लोग इजीली बना सकते हैं इससे। अब कैसे इसकी हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी रॉ भी इसकी बढ़ाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सॉरी ग्रेट करना है मुझे, ग्रेट कॉलन कॉलन नहीं सॉरी रॉ करनी है, अब तो रॉ लिखेंगे हम यहाँ पे, रॉ स्टार्ट ग्रिड कॉलन रॉ स्टार्ट, इसको बंद करते हैं, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ पर जाके खत्म हो, ग्रिड, अरे यार ये टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको ग्रिड करते हैं और ये मैंने इसको कहा रॉ एंड, तो अब यहाँ पे रॉ एंड कहाँ पर हो रही है, अब इसको 3 करते हैं, ये लगाया तो अब देखिएगा ये देखें अब ये 3 3 रॉ भी 3 हो गई इसकी और कॉलम भी, देखिए कैसे रॉ 3 हो गई, 1 2 और ये 3, ये 3 रॉ है यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो जब भी हम इस तरह आप लोग देखते हैं तो ये हमारे जो है वो 3 कॉलन की जगह ले रहा है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बढ़ जाए तो मैं इसको 4 भी कर सकता हूँ कि 4 कॉलन 4 रॉस की जगह ले ले, ये देखिए अब ये 4 रॉस की जगह हो गई, कैसे 1 2 3 और ये 4, मतलब कॉर्नर से भी गिनना स्टार्ट करता है, ये 1 ये 2 3 4, तो इसने 4 कॉलन की स्पेस ले ली। तो इसी तरह आप लोगों के पास जो थे जैसे हमने इमेज के अंदर देखा अभी
सीएसएस ग्रिड इमेज के अंदर जैसे अभी हमने देखा सीएसएस ग्रिड इमेज ये खुल रहा है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोग जो है इसके अंदर इस तरह के लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, आप इस तरह के लेआउट डिजाइन करना मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल गया कि कैसे करना है। देखें कैसे करना है, आप लोग जो जिस चाइल्ड को आप लोगों ने सेट करना है, मिसाल के तौर पर मैं 1 की जगह मैं 4 को करना चाह रहा था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड की जगह मैं यहाँ पे फोर्थ चाइल्ड लगा दूंगा। फोर्थ चाइल्ड कौन सा है? उसका ये वाला फोर्थ चाइल्ड है, तो इस तरह करके मैं ये वाला सेट कर दूंगा। तो यही था हमारा जो है यही ग्रेड होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, इसको रिस्पॉन्सिवनेस कैसे लेकर आते हैं, वो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कि इसको जो है हम चाह रहे हैं कि इंस्पेक्ट जैसे मैंने किया, और हम चाह रहे हैं कि जैसे ये बॉक्स नंबर 1 है, और जो हमारा लेआउट है वो एज इट इज जब हम मोबाइल पे खोलें तो वो देखिए अभी देखें कैसा दिख रहा है। ये देखिए अभी कैसा दिख रहा है, इस तरह का। बट हम चाह रहे हैं कि जब रिस्पॉन्सिव बन जाए तो फिर जो है हमारा थोड़ा सा अलग तरीके से, मोबाइल पे जब इजिली पढ़ा जा सके उस तरह का दिखे। तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट फ्राइडे है तो उसमें देखेंगे। अच्छा, अभी तक किसी का कोई सवाल, यहाँ तक किसी का कोई भी किसी भी तरह का सवाल? आपने बताया नहीं रो और कॉलम एक साथ? एक साथ मींस एक साथ कैसे लगा सकते हैं उसको? हाँ, हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई है मतलब ऑप्शन के हम एट अ टाइम, अगर हमें कुछ कॉलम चाहिए और कुछ जो है वो रोस चाहिए? देखें देखें यहाँ पे एक लॉजिक बात है, लॉजिकल बात है। अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 3 कॉलम भी हो और रॉस भी 3 हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देखिए, या तो हम लोगों को बॉक्स 1 को सिलेक्ट करके उसकी रॉस बढ़ानी पड़ेगी, तो हम तीनों की रॉस एक साथ नहीं बढ़ा सकते। हम जो है एक एक करके बढ़ा सकते हैं, बट तीनों की एक साथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कॉलन क्या कह रहा है कि बॉक्स 4 भी कॉलन है, वो फर्स्ट कॉलन के अंदर है, और बॉक्स 7 भी कॉलन के अंदर है, फर्स्ट कॉलन के अंदर है। इसी तरह बॉक्स 5 भी सेकंड कॉलन के अंदर है। तो हम लोग अगर रॉस बढ़ाएंगे तो इन सब की भी जो है एक साथ बढ़ती है। तो हम लोगों को जब भी इस तरह कोई भी काम करना हो, रॉस और कॉलन एक साथ बढ़ानी हो, तो हम लोग जो है यहाँ पर बॉक्स चाइल्ड का यूज करके, चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करके हम जो है उसको करते हैं और फिर हम लोग बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अभी यहाँ पे बढ़ाएंगे कॉलन और रॉ एक साथ बढ़ाएंगे, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी फर्स्ट कॉलन के अंदर है, इस कॉलन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सेकंड कॉलन थर्ड कॉलन के अंदर, तो इस तरह वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अंदर वो लॉजिक ही नहीं बन पाएगी ऐसी कि कुछ इस तरह का हो जाए। तो स्पेसिफिकली हम सिलेक्ट करके और फिर हम जब कर सकते हैं जी स्पेसिफिकली बॉक्स। सेट करके आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके अंदर। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अच्छा, अब मैं इन सबको कमेंट करता हूँ। इसका एक शॉर्टकट होता है तो करने का, वो क्या शॉर्टकट होता है? ग्रेट कॉलन, सिर्फ ग्रेट कॉलन लिखना है आपने यहाँ पे, ग्रेट कॉलन, और इसके बाद आप लोग वैल्यू सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन। अच्छा, स्पैन का क्या मतलब है अभी बताता हूँ आप लोगों को। ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हम कर रहे हैं सब स्पैनिंग स्पैन करते हैं, जैसे हम लोगों को करना है ना, स्पैनिंग एक वर्ड आता है उसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्रेट रॉ सेट कर लेता हूँ। मुझे तो ग्रेट की रॉ भी करनी है, वो भी कितनी करनी है, वो भी इतनी कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस स्पैन इसको भी 3 रखते हैं। अब वहां पर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इसको जैसे ही मैंने किया तो अब देखें इसने स्पैन कर दिया इन सबको, ग्रिड की रॉज जो थी। अच्छा, रॉज यहाँ पर क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमारा जो कॉलन है वो भी सिलेक्टेड है। तो इसने ये हमारा जो किया 1 से लेके 3 तक एंड कर दिया, मतलब ये जो हमारा है सारा जो इसको अलग अलग हम लोग सेट कर रहे थे उसी का ये शॉर्टकट है। ये रॉ क्यों नहीं लग रही है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जब हम मीडिया क्यूरीज वगैरह सेट कर रहे होंगे ना इसके साथ, तो उसके अंदर जो है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर ग्रिड रॉस वगैरह सेट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि फिर हम लोग कॉलम्स को तोड़ देते हैं, जब मीडिया क्यूरीज यूज करके कॉलम टूट जाते हैं आपस में आके, तो फिर जो है हम उसको देखते हैं। अभी सिर्फ जो है इसको समझे कि आप लोग ने इसको यहाँ पर जब 3 किया तो ये 3 उसमें जो है लग गया। अब ये वाला कैसे इसमें लगा? क्योंकि जब भी हम लोग स्पैन 3 करते हैं तो स्पैन 3 फिर कॉर्नर से नहीं गिनता, स्पैन 3 ये पूरे को एक कॉलम मानेगा, इसको दूसरा कॉलम मानेगा और उसको तीसरा कॉलम मानेगा। बट ये स्पैन बहुत ज्यादा कम यूज हो रहा होता है, आपको बिल्कुल भी जो है इसको सीरियस इस तरह समझने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, स्पैन भी होता है एक जो यूज हो रहा होता है।
अच्छा, किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई सवाल? अच्छा देखिए, अब आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब मैं, मुझे ये काम करते हुए इतना टाइम हो गया, बट मुझे भी रेफरेंस की जरूरत पड़ रही होती, क्योंकि मैंने वैल्यूज को रटा हुआ तो नहीं है। अब जैसे मुझे लेआउट बनाना है ये वाला, तो मुझे पता है ग्रिड से बनेगा, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि ग्रिड ग्रिड कैसे वर्क करता है, ग्रिड के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। और अगर मैं इसको खोलूं, इसमें जाऊं, और अगर मुझे मिसाल के तौर पे इस तरह का कोई लेआउट बनाना है, अभी जैसे खुल रहा है ये, इस तरह का मुझे इस तरह का कोई लेआउट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा यार, इस तरह का देख लेते हैं, ये थोड़ा सा समझने में आसान है। इस तरह का मुझे कोई लेआउट बनाना है तो मैं किस तरह बनाऊंगा? अब देखिए, इस तरह का आप लोग कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट हेडर जो था हमारा वो तो आ गया था, अभी हम लोगों ने जैसे स्पैन किया था, वो फर्स्ट को आप पहले एक को इसको करें, उसके बाद उसकी रॉस को बढ़ा दें। कैसे बढ़ाया था? रॉस एंड हमने जैसे यहाँ पर लगाया, रॉस एंड हमने यहाँ पर लिखा था, रॉस एंड लगाए आप लोग, और रॉस एंड लगाने के बाद ये जो है दो रॉस में आ जाएगा, उसके बाद साइड बार की आप उसकी जो है वो रॉस बढ़ा दें ज्यादा और उसको कम रख दें, फिर इस तरह ये अब बना सकते हैं आप लोग इजीली इस तरह का। तो आप लोग जो है इसको बनाएं और कोशिश करेंगे जो है वो, ये मैं आप लोगों को पिक्चर भेज देता हूँ, ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं आपको इसकी, और ये आप लोगों ने बनाना है, ठीक है? ये टास्क है आप लोगों का आज का, टास्क वैसे ही देना था आज, चलिए इमेज मुझे मिल गई तो यही वाली दे दूंगा, बट ये मेरे पास दूसरी इमेज पड़ी हुई है, लेकिन ये मुझे ज्यादा सही लग रही है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, और इसके साथ देखिए इसमें गैप भी दिया हुआ, तो आप लोग गैप भी दे सकते हैं, गैप गैप प्रॉपर्टी का यूज करके, और आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है? सही, किसी है कोई सवाल? अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि मुझे भी जो है रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है, मैं मुझे सारा विषय की आता है, बट देखिए रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को एक एक वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली जो है आप गूगल पे जाके लिख लें, या चैट जीपीटी से पूछ लें, बार्ड आ गया है तो जीबी नहीं आ गया है गूगल वालों का, तो आप लोग उस पर जाकर उनसे पूछें कि ग्रिड के अंदर हम लोग, अगर आप लोगों को जैसे रॉ सेट करनी है तो रॉ कैसे सेट कर सकते हैं, और एफ आर का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर ज्यादा कहीं जाने की नहीं जाना है आप लोगों को, तो आप लोग एमडीएन रेफरेंस पे चले जाएं, एमडीएन रेफरेंस बेस्ट है, और ये अब अपडेट भी हो गया है, जब न्यू अपग्रेडेशन आई थी, तो आप जो है इसको सीएसएस ग्रेड को पूरा समझ सकते हैं। देखिए पूरा आप लोगों को बता रहा है कि किस किस तरह आप जो है इसके अंदर वैल्यूज लगा सकते हैं, यहाँ पे पूरे एरियाज वगैरह ये सब आगे अगली जो हमारी क्लास है एरियाज पढ़ेंगे हम लोग कैसे एरियाज लगाते हैं, और बाकी कॉलन एंड कॉलन स्टार्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्रिड एरिया हम लोग नेक्सस में पढ़ेंगे, और ये ऑटो फ्लो ऑटो रोस मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों ग्रिड समझना है, आप ग्रिड के उसमें आ जाए, पूरा का पूरा आप लोगों को जो है यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है? चले आज की क्लास हम एंड करते हैं, ये वाली पिक्चर मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी, ये वाला आप लोगों ने इस तरह की टास्क बनाना है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें और टास्क कंप्लीट कर लेगा। अल्लाह हाफिज़।